हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रैक्टिस के साथ हम एक एक सर्किट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो पहले प्रैक्टिस का सॉफ्टवेयर जो है उसे ओपन कर लेना पड़ेगा। देखिए ये ओपन हो रहा है, वेट करो, अभी देख रहे हो न्यू प्रोजेक्ट है ऊपर मेरे एरो को देखो, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना। उसके बाद तुम कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने सही क्या लिख दिया वैसे, क्योंकि मेरा जो सरनेम है वो सही क्या है, इसीलिए तुम कोई भी नाम वैसे दे सकते हो अपना। उसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैंने क्या दिया, सही क्या वीडियो नाम का, हाँ नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 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 करो, उसके बाद फिनिश कर देना। उसके बाद ये लेआउट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें पैकेज में जाना होगा, जहाँ पे पी लिखा है वही पैकेज है। तो हमें देख सबसे पहले लेना पड़ेगा एलईडी, तुम कोई से भी एलईडी ले सकते हो वैसे, कोई से भी कलर का। तो हम लेने वाले हैं कोई से भी, रेड ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, हम रेड वाला लेते हैं, ठीक है। ये वाला है रेड, हाँ नहीं यहाँ पे देखो पर्पल भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेड वाला ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम सारी चीज़ें एक्सेल ले लेते हैं। उसके बाद लेना पड़ेगा एक बैटरी, ठीक है, बैटरी ऊपर वाला ही ले लेते हैं। नहीं 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 वो वाला, हाँ ये वाला सही रहेगा, यूजर डिवाइस, ठीक है। तो ये वाला ओके कर लेना है, देखो जहाँ पे नो पैकेज अवेलेबल उसे क्लिक मत करना, ठीक है। उसके बाद लेना पड़ेगा एक रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर ये वाला सही लग रहा है, रेस नाम का डिवाइस, हाँ ठीक है ओके। उसके बाद लेना पड़ेगा एक जम्पर, जम्पर का मतलब स्विच है, ठीक है। तुम मतलब जम्पर का मतलब स्विच है, कोई भी जम्पर ले सकते हो, हम ऊपर वाला ले रहा है क्योंकि एक सिंपल जम्पर है, ठीक है। तो हम ऊपर वाला जम्पर ले रहा है, तो हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सजाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे बैटरी, हाँ। उसके बाद लगाना पड़ेगा एलईडी यहाँ पे, तुम कहीं भी लगा सकते हो वैसे, हमें यहाँ लगा रहा है। उसके बाद तुम कनेक्ट दे सकते हो ये जम्पर, हाँ सही रहेगा। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर राइट वाले पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा रहा है, तो उसके बाद कनेक्ट करो सारे के सारे चीज़ें, कनेक्ट करना पड़ेगा इससे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है हो गया, हाँ। तो ऐसे तुम्हें सबसे पहले ये सारी चीज़ें मतलब कनेक्ट कर लेना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करना, उसके बाद फिर से ऊपर जाओ, हाँ यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना। उसके बाद वो देख लो लाल वाला, वो है पीसीबी लेआउट, उस पर क्लिक करना, हाँ। उससे पहले देख लेते हैं कि ये काम करता है भी या नहीं, फिर से जम्पर क्लोज करो। उसके बाद देखो कि ये जल रहा है नहीं या नहीं एलईडी, देखो ये जल रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा पीसीबी लेआउट पे, जो लाल वाला यहाँ पर साइन है ना वहाँ पे, हाँ लाल वाला यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद उसे स्क्रीन का थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करने के बाद तुम्हें स्क्वायर वाला पे क्लिक करना, हाँ देखो नीचे टॉप सिल्क रखा हुआ है, उसे बोर्ड एज वे सिलेक्ट कर दो, हाँ। उसके बाद बोर्ड एज बनाओ, हाँ। तो उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, हाँ पहले बोर्ड एज बना लिया, उसके बाद ये जो सीजे है उसे यहाँ पे डालना पड़ेगा, हाँ ये रहा बैटरी, हाँ। और उसके बाद लाना पड़ेगा एलईडी, नहीं नहीं वो जम्पर लगा रहे थे पहले। उसके बाद लगाना पड़ेगा एक रजिस्टर, नहीं नहीं एलईडी लगा लेते हैं। उसके बाद रजिस्टर लगाएंगे ऊपर से, हाँ वहाँ, हाँ देख लो ये, ठीक है। तो अभी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उस पर वायर वाले ऊपर से सारे नंबर वाले पे क्लिक करना, एरो को ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद T30 पे जाना, रुको 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 रुको, सबसे पहले हमें इसे अलाइनमेंट ठीक करना है, ऊपर से दो नंबर वाले पे क्लिक करो जहाँ कंपोनेंट था। तो उसके बाद देखो यहाँ देखो जैसे ग्रीन लाइन जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो उससे हमें ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले, तो उससे राइट क्लिक करो, उसके बाद क्लॉकवाइज कर लेना, उसके बाद फोर से क्लॉकवाइज मतलब 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, हाँ एलईडी को भी रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, हाँ सही है। उसके बाद इसे भी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करना पड़ेगा, सही है।
तो अभी हमें फिर से वायर पे जाना पड़ेगा और वायर से फिर से कनेक्ट करना है। 330 पे ही है, ठीक है, सही है। तो अभी हमें इसे वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद खींचते जाओ, रुको, हाँ अभी ये सही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हाँ इसे कनेक्ट किया करो, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, फिर से कनेक्ट करो। हाँ ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद इसे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सही होना चाहिए, एक रेक्टेंगल के तरह होना चाहिए, ठीक है, सारा का सारा सर्किट, ठीक है। तो अभी हमें करना पड़ेगा इसे भी कनेक्ट, हाँ हो गया। तो उसके बाद यहाँ, तो उसके बाद इसे कनेक्ट करो, ठीक है। हाँ तो अभी वो मेरे एरो को देखो, 3D में देखना पड़ेगा हमारा सर्किट आखिर लग कैसा रहा है, ठीक है। इसे जूम भी करके भी देख सकते हो वैसे, अभी 3D पे देखो वो वाला रेड कलर के नीचे बगल में ही है, उससे क्लिक करें। हाँ ये रहा हमारा डिज़ाइन, तो ये नीचे वाला है और ये ऊपर, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ तो ये रहा हमारा बोर्ड, सो अभी हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये रहा PCB लेआउट, तो आप सबसे पहले आउटपुट पे जाओ, एक्सपोर्ट ग्राफिक्स पे जाओ, एक्सपोर्ट Adobe PDF फाइल पे जाओ। हाँ यहाँ पे सारा सिलेक्ट नहीं है, लेकिन तुम नीचे जाओ नॉर्मल एनालिसिस पे, ठीक है, ये नॉर्मल नेटवर्क, हाँ नीचे जाओ, बोर्डर्स को ऑफ करो, उसके बाद फिर से मिरर पे जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें इसे प्रिंट कर लगाना पड़ेगा। ओके करो तो आ जाएगा अभी, तो ये सही है। तो इसे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो यही थी पूरी कहानी, सो यही था, तो अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे जो है कुछ नाम भी लिखा हुआ है, देखो बैटरी का वैल्यू 1 आवर कुछ लिखा है, उसे भी मिटा सकते हो वैसे, कोई टफ काम नहीं है। तो हाँ वो सब कर लेना, तो इतना ही था। सो थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।